यूपी की डबल इंजन सरकार कई मायनों में केंद्र सरकार के कामों का अनुसरण करती दिखाई दे रही है। केंद्र के काम और स्कीम की छाप योगी सरकार की नीतियों में भी नजर आती है। एक और जहां मोदी सरकार ने नई संसद भवन का निर्माण किया है, तो दूसरी ओर अब खबर है कि दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी नए विधान भवन बनाने की तैयारी कर रही है। इसी साल अटल जी की जयंती यानी 25 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी जा सकती है। भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए अभी का यूपी विधान भवन काफी छोटा साबित हो सकता है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब दिल्ली की तरह यूपी में भी नए विधान भवन को बनाने की तैयारी कर रही है। अनुमान है कि नया विधान भवन बनवाने में योगी सरकार को तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की लागत की उम्मीद है, जिसकी आधारशिला इस साल अटल जी की जयंती के दिन यानी 25 दिसंबर को रखी जाएगी। नए विधान भवन का निर्माण लखनऊ के दारुल शफा और आसपास के इलाकों को मिलाकर होगा। माना जा रहा है कि नए विधान भवन को साल 2027 तक पूरा कराए जाने की कोशिश की जाएगी। योगी सरकार का टारगेट है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सेशन का आयोजन नए भवन में हो। मौजूदा विधानसभा को साल 1928 में बनाया गया था, लेकिन जनसंख्या और सुरक्षा के हिसाब से योगी सरकार ने नए विधानसभा को शक्ल देने का मन बनाया है। सेंट्रल विस्टा की तरह ही यूपी का नया विधान भवन भी आधुनिक सुविधाओं से भरा पूरा होगा। इसका निर्माण कुछ इस तरह होगा कि पूरे विधान भवन में यूपी की संस्कृति की झलक देखने को मिले और वो देश के मिसाल के तौर पर जाना जा सके। प्लानिंग है यूपी के नए विधानसभा को पूरी तरह भूकंप रोधी और इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाए। बताया जा रहा है कि 2027 में जब नए विधान भवन का निर्माण पूरा होगा, तब पुरानी विधानसभा को बने हुए 100 साल पूरे होंगे। दिल्ली में भी अब संसद की कार्यवाही नए संसद यानी सेंट्रल विस्टा में शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत बीते दिनों 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर की गई थी।